वेलकम बैक दोस्तों, हमारे चैनल में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हमने वादा किया है कि एसटीटी से रिगार्डिंग जो भी अपडेट आएगी हम सीधे अपने चैनल के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाते रहेंगे। ऐसे में आलोक सर पटना और आलोक सर की के जुबानी आपने जो ऑडियो क्लिप सुनी थी और जिसके बारे में आलोक सर ने विस्तृत गहराई और सच्चाई से पूरा का पूरा माजरा जो था कोर्ट में जो भी संपन्न हुआ था उसके बारे में अपडेट जो थी वो प्रोवाइड की थी। तो ऐसे में जो फाइल सुरक्षित रखी गई है उसमें हम कह सकते हैं ड्राफ्टिंग, ठीक है, और बोर्ड के काउंटर एफिडेविट का जवाब दिया गया है। बहुत अच्छी और बड़ी अपडेट सामने आ रही है और इसका अध्ययन 3 घंटे तक किया गया है कि इसमें क्या कुछ कोर्ट के द्वारा लिखा गया है। देखिए, हमारे केस की ड्राफ्टिंग और बोर्ड के काउंटर एफिडेविट को दिया गया जवाब, जो काउंटर एफिडेविट है वो जारी कर दिया गया है ड्राफ्टिंग का, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम विस्तृत से जानकारी लेंगे, क्योंकि ये मैसेज सुबह ही कर दिया गया था और फाइल जो है वो पहुंची है और लगभग लगभग ये देखिए बहुत बड़ा था ये, तो लगभग इसमें कहें तो 100 से ऊपर पेज हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पेजों पे हम आज चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, जैसा कि सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये है काउंटर एफिडेविट और ये वो फाइल है जो कि कोर्ट में सुरक्षित रखी गई थी और जिसपे कि फैसला आना था। तो क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें देखते हैं। सब्जेक्ट टीचर शुड रिस्पोंडेंट, ठीक है, मतलब आप इसको थोड़ा सा जूम करके आप खुद इसके बारे में पढ़ सकते हैं, इसमें ज्यादा समय लगेगा तो इसलिए मैं थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे ही फोकस करूंगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भी रिजेक्टेड आउट राइटली बाय दिस होनेबल कोर्ट क्वेश्चंस मोर आस्क्ड इन ऑल सब्जेक्ट ऑफ पेपर वन एंड पेपर सेकेंड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर सेट एग्जामिनेशन। अब ये देखिए ये बहुत बड़ा है, ठीक है, इसके बारे में हमने थोड़ा सा गहन अध्ययन किया, ठीक है, और मैं आपको इसका थोड़ा सा डिस्कशन है मैं आपको बताता हूं। देखिए, इसको पढ़ने से एक बात तो क्लियर हुई है कि 99% कह सकते हैं दोस्तों, 99% मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे कि जीत हमारे पक्ष में है, यानी कि कहीं ना कहीं 99% हमें ऐसा लग रहा है कि भाई हमारे पक्ष में जो है वो रिजल्ट जारी होगा, ठीक है। और पहले देखिए इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हैं मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा इसमें विस्तृत के बारे में विस्तृत से, ठीक है। सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे भाई यहाँ पे ये बहुत बड़ा है, थोड़ा सा मैं इससे बात करूंगा। देखिए जो काउंटर एफिडेविट है जो कि सुरक्षित रखा गया है कोर्ट में और जिसपे कि कल फैसला आना है, जिसको कि पढ़ के जज साहब अपना फैसला सुनाएंगे, अंतिम और निर्णायक फैसला होगा ये, ठीक है। इसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको अवगत करा दूं और मैं आपको पेज भी दिखाते रहता हूं क्योंकि आप खुद इसको पॉज करके थोड़ा सा पढ़ते रहिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी इसकी जानकारी जो है होती रहेगी। मैं दिखा देता हूं यहाँ पे, यह है इसका सेकंड पेज, थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं इसको, यह है, ये इसका सेकंड पेज है, आप पॉज करके इसे पढ़ते रहिए, ठीक है, देख सकते हैं। देखिए यहां से थोड़ा सा हम देखते हैं, दैट इज रिप्लाई टू पैरा 6 and पैरा 8 ऑफ द काउंटर एफिडेविट, ठीक है, और इट इज टू से दैट दिस इज द ओनली फैक्ट्स विच नीड टू कमेंट।
दैट इज रिप्लाई टू पैरा 9 ऑफ द काउंटर एफिडेविट. इट इज से दैट द रिस्पोंडेंट हैड मेड वेरी हार्ड अरेंजमेंट फॉर द कंडक्टिंग द फेयर एग्जामिनेशन ऑफ एसटीटी. ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, कोई भी इस वीडियो को स्किप मत करना और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कर देना ताकि सभी लोग इसको पढ़ सके. ठीक है, एसटीटी 19 द स्टूडेंट्स वेयर इंटायर्ड इन टू द एग्जामिनेशन सेंटर 9:30 AM एंड एन एंट्री वाज स्ट्रिक्टली. अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ नहीं तो आप बोर हो जाएंगे. देखिए, इसमें काउंटर एफिडेविट में तमाम चीजें, यानी कि जैसा कि सभी को ज्ञात है कि कोर्ट में जब सुनवाई हुई थी तो वाईवी गिरी ने काफी मजबूती से अपना पक्ष रखा था और ललित किशोर जो कि एडवोकेट है शिक्षा विभाग के, उनकी बोलती बंद हो गई थी. और ऐसे में मैं आपको बताता हूँ कि जो वाईवी गिरी है उन्होंने क्या कुछ अपना पक्ष रखा था और किन मुद्दों को रख के जो था कि उनकी बोलती बंद हो गई थी ललित किशोर जी की. और खुद सामाजिक विज्ञान के मुद्दे में तो खुद जज साहब ने ही अपने आप पक्ष रखा, अपने आप ही वो बोले थे कि भाई स्टूडेंट कैसे मतलब पढ़े उस चीज को जब तक ये क्लियर ना हो कि भाई सामाजिक विज्ञान में का क्या कम्बिनेशन बन रहा है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है और पॉलिटिक्स है, क्या कम्बिनेशन बन रहा है. इस कम्बिनेशन पे भी उन्होंने डिस्कशन किया था, लेकिन फिलहाल मैं बात करूंगा कि जो शिक्षा विभाग के एडवोकेट थे उनका ये कहना था कि भाई अगर किसी भी परीक्षा में किसी भी प्रकार का कोई भी कहीं भी कदाचार देखने को मिलता है तो परीक्षा की गरिमा को बनाए रखने के लिए परीक्षा को रद्द करना अति महत्वपूर्ण होता है. ये बात रखी गई थी और इस पे जज साहब ने भी ये बात कहा था कि ये हमारे संविधान में भी बढ़नी चाहिए, किसी प्रकार का छोटा भी कदाचार मिलता है तो पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया था. लेकिन इसके बाद फिर वाईवी गिरी जी ने जो 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 बातें रखी थी उनका ये कहना था, उन्होंने कहा था कि जज साहब से कहा था उन्होंने कि ये हुआ है, उन्होंने ये कहा कि एसटीटी में यही हुआ है. एसटीटी में जहां जहां कदाचार पाया गया है, जिन केंद्रों पर ऐसा लगा कि किसी भी प्रकार से, देखिए सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि 311 केंद्रों में परीक्षा होना, बिहार राज्य एक ऐसा राज्य है जहां 311 केंद्रों पर परीक्षा संपन्न हुई थी. और 311 केंद्रों में परीक्षा हुई थी, आप सोच सकते हैं कि बिहार राज्य जो है जनसंख्या की दृष्टि से, विस्तार की दृष्टि से कितना बड़ा है. इसे देखते हुए 311 केंद्रों की समुचित व्यवस्था की गई थी, इसमें होम सेंटर अभ्यर्थियों का रखा गया था ताकि उन्हें कोई समस्या ना आ सके. और उन्होंने ये बात रखी थी भाई कि संविधान की गरिमा को देखते हुए और जो कुछ भी वर्णित है आर्टिकल में उसे ध्यान में रखते हुए परीक्षा में जिन 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 केंद्रों में हमें ये पता लगा था कि किसी कारणवश किसी भी प्रकार की कोई धांधली हुई थी या किसी के मिली भगत के कारण परीक्षा में कोई गड़बड़ी आई थी तो उन परीक्षा के उन केंद्रों की जो परीक्षा है वो पुनः 26 फरवरी को करा दी गई थी. जैसा आपके सामने ये बात रखा गया तो इसमें जो हमारी संविधान की गरिमा है और जो हमारा आर्टिकल है जिसमें कि ये बात रखी गई है, ये परीक्षा सरकारी परीक्षाओं में होने वाली किसी भी छोटी धांधली के लिए पूरी परीक्षा को निरस्त करना अनिवार्य होता है. तो उन्होंने ये बात रखा था कि उनकी परीक्षा को निरस्त करके पुनः परीक्षा ली गई. तो इसमें जो भी हमारा आर्टिकल में बातें रखी गई थी, जो हमारे संविधानिक गरिमा का है वो तो सुरक्षित है, ये बात रखी गई थी. इस पे जो था वो मुद्दा काफी ज्यादा कह सकते हैं कि बदल गया, क्योंकि जब ये बात सामने रखी गई थी तो बिल्कुल जो पक्ष था वो पक्ष ही बदल गया बिल्कुल. क्यों बदल गया? क्योंकि वही बात रख दी गई कि भाई जिन परीक्षा केंद्र में धांधली हुई थी उनकी पुनः परीक्षा हो गई, तो इसमें गरिमा कहां बिगड़ती है. और जहां जहां 311 केंद्रों में से जिन परीक्षा केवल 5 परीक्षा केंद्रों पर गड़बड़ी पाई गई थी, इनकी पुनः परीक्षा हुई थी, उसके बाद हमारा जितने भी केंद्र थे उनमें साफ और सुरक्षित परीक्षाएं कराई गई थी. तो इन ये भी हमारे पैरा में लिखा गया है कि जिन जिन केंद्रों में साफ सुरक्षित परीक्षा हो उनकी परीक्षा का रिजल्ट सरकार को जारी करना होता है. तो ये मुद्दा सामने आया था और इस पे जो था काफी लंबा, आप अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों कि 2 घंटे का समय, 3 घंटे का समय जो होता अपना आप में मायने रखता है किसी भी बहस को चलाने के लिए. तो ये जो बात हुई थी इस पे जो था पलटवार हो गया था, पूरा का पूरा कह सकते हैं पूरा का पूरा जो मैच है, जो मैच चल रहा था उसका रुख ही बदल गया. तो उसके बाद जज साहब ने इस बात को एग्री कर लिया था कि ये बात बिल्कुल सही है कि भाई कि हमारे आर्टिकल और हमारे संविधान ये कुछ आर्टिकल्स में ये बात जो रखी गई थी, जो गरिमा का सवाल है उसे ध्यान में रखते हुए
सांप सुरक्षित परीक्षा को जिन केंद्रों में हुई थी उनको रद्द करना कहीं ना कहीं बिहार सरकार के और शिक्षा विभाग की अपनी बड़ी मनमानी है और इसके पीछे कुछ नेताओं के बड़े हाथ भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इस आर्टिकल में वही बातें लिखी गई है कि कैसे कैसे परीक्षा संपन्न हुई थी, क्या जो बातें मैंने आपको बताई वही आपको इसमें लिखी गई है, आप खुद इसमें पढ़ सकते हैं जाके विस्तृत रूप में। ठीक है, और मैं आपको और भी दिखा देता हूं इसमें, जो कि मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, ये है तीसरा पे, इसको भी मैं जूम कर देता हूं, आप इसको खुद पढ़ लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, अबाउट ऑल दिस क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड कंजुगेटली फ्रॉम द कंसर्न सब्जेक्ट सोशल साइंस। देखिए मैंने कहा था ना कि सोशल साइंस का मुद्दा आएगा सामने। देखिए, ऑफ द एडवर्टाइजमेंट एज द कंटेंट एंड एश्योर टू पेज 29 ऑफ मेन रिट पिटीशन एंड इट इज ऑल्सो नीड टू मेंशन दैट एट द टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशन पिटिशनर हैज ऑप्टेड हिज सब्जेक्ट एज द सोशल साइंस विच इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन द एडमिट कार्ड ऑफ द पिटिशनर। There were no any option of the choosing on subjects out of the history and the geography. देखिए मैंने कहा था ना आपका कि social science में आपका history, geography, economics ये तमाम जो combination बन रहा था, देखिए with the option of the answer any subjects out of the remaining three subject to the answered the separated group at the time of registration for STD-19 exam, but the रिस्पोंडेंट मिस, देखिए यहां पे लिखा है इसमें मिस इंटरप्रिटिंग द एफ्रोसेट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मस्ट बी आस्क्ड इन क्वेश्चंस पेपर इन सेपरेटेड ग्रुप विच इज नॉट एनी टर्म ऑफ द एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड बाय द बोर्ड फॉर सोशल साइंस। ठीक है, इसको भी पढ़ लीजिए आप, इसमें लिखा है सोशल साइंस के बारे में। और इधर आता हूं मैं थोड़ा सा, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। इज नो एनी कॉन्ग्नेट एविडेंस दैट द क्वेश्चन लीक्ड एट 10:23। देखिए इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने इसमें लिखा हुआ है कि जब 9:30 पर सभी छात्रों को विद्यालय भवन के भीतर मोबाइल फोन बाहर कर दिया गया था, जूता मोजा बाहर निकाल दिया गया था, जेमर की अच्छी व्यवस्था रखी गई थी और 10:30 AM एंड इट इज द ओनली इमेजिनेशन, ये इमेजिनेशन है केवल। देखिए यही बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये वाला पॉइंट आप ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा कि ये केवल एक इमेजिनेशन रखी गई थी। देखिए यहां थोड़ा सा मैं आपको जूम कर देता हूं, यही गिरी सर के द्वारा और वाईवी गिरी और ललित किशोर के बीच में इसी पॉइंट पे बहस हुई थी कि एक निगेटिविटी इमेजिनेशन के कारण इस सोचा जा रहा है कि 5 केंद्रों में धांधली हुई थी तो हो सकता है कि 311 जो शेष परीक्षा केंद्र बचते हैं उनपे भी धांधली हुई होगी। क्या इमेजिनेशन के कारण किसी परीक्षा को रद्द किया जा सकता है जब तक आपके पास कोई पुख्ता सबूत ना हो, ये बात रखी गई थी और यही देखिए इस पैरा में लिखा गया है, रिस्पोंडेंट एंड नो डिसीजंस कैन बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द इमेजिनेशंस एंड हाइपोथेटिकल फैक्ट्स एज सच स्टेटमेंट ऑफ पैरा 12 इज हियर बाय denied by the petitioner so far as the order of this honorable courts is concerned. It is not passed on the merit of the case, rather it is simply disposed of due to being fractious. That in reply of para 15 and it is the sub para A to E. It need to mention here that 4 to 5 डिफरेंट सेंटर अंडर द डिस्ट्रिक्ट गया, देखिए उनके नाम भी लिखे हैं यहाँ पे, मैं जूम कर देता हूँ, देख सकते हैं आप, ये देखिए कौन कौन सेंटर थे गया, सासाराम, सहरसा, मुजफ्फरपुर, पटना, गोपालगंज। द एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन द 28/1/2008 वाज
कैंसिल्ड बाय द बोर्ड ड्यू टू, देखिए वही बात रखी गई है ना जो मैंने आपको बताई है, पूरी की पूरी वही बात लिखी है, आप इसको पूरा पढ़िए पैराग्राफ को। डिस्टर्ब क्रिएटेड बाय अ फ्यू कैंडिडेट्स, कुछ कैंडिडेट्स ने इसे क्या कहा था, डिस्टर्ब किया था, ओनली एट दो सेंटर द बोर्ड टुक अ कॉन्शियस डिसीजन टू कैंसिल द एग्जामिनेशन, और इन परीक्षा केंद्रों की जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो है देखिए, गया हो गया, सासाराम, मुजफ्फरपुर हो गया, पटना हो गया, ठीक है, गोपालगंज है, ठीक, इनकी परीक्षाओं को जो है वो रद्द किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है इसके पैराग्राफ में, ये है सेकंड पेज, इसमें लिखा है इंस्टॉल्ड इन ईच एंड एवरी क्लासरूम वेयर द एग्जामिनेशन कंडक्ट, यहां से देखिए, कंडक्ट हेंस देयर वाज नो क्वेश्चंस टू आउटिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर एट ऑल, लेट इट इज ऑल्सो बी क्लियरफाइड दैट द एग्जामिनेशन कंडक्ट वॉज सो स्ट्रिक्ट दैट कैंडिडेट्स वेयर नॉट अलाउड इवन इवन इन शूज एंड सॉक्स, दे सकते हैं, दे वेयर परमिटेड ओनली द हवाई चप्पल, तो ऐसे में सवाल उठता है कि जब अभ्यर्थी जूता मोजा पहन के परीक्षा केंद्र के भीतर गए ही नहीं थे, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि कोई भी पर्चे किसी भी प्रकार का कोई भी नकल से संबंधित कोई भी गैजेट अंदर कैसे जा सकता है, ठीक है, आगे देखिए, दैट इज रिप्लाई ऑफ पैरा 10 एंड 11 द काउंटर एफिडेविट इट इज टू से दैट दीज ऑल अबाउट द स्ट्रिक्ट अरेंजमेंट मेड बाय द रिस्पोंडेंट्स फॉर द कंडक्टिंग एसटीटी एग्जाम 19 विच नीड्स टू कमेंट, ठीक है, आगे देखिए, That is reply of para 12. ये देखिए, ये जिस तरीके से पैरा ये क्वेश्चंस पैरा में क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं उसी पैरा के अकॉर्डिंग जो है वो आंसर भी आ रहा है नीचे। That is reply to para 12 of the counter affidavit. It is to say that the questions does not arise of leakage of any questions paper through the WhatsApp at the दस्तावेज। देखिए, जब मोबाइल फोन ले जाना अलाउ ही नहीं था, जूता मोजा को बाहर निकाल दिया गया था, जेमर की व्यवस्था की गई थी, तो कैसे कहा जा सकता है कि भाई 10-23 पे जो है व्हाट्सएप पे पेपर आ गया था, ठीक है, एम बिकम द जेमर्स वेयर यूज्ड इन ईच ऑफ द एवरी एग्जामिनेशन रूम, ऑल एग्जामिनेशंस हैव एंटायर इन एग्जामिनेशन हॉल एट 9:30 शार्पली देयर, आगे देखिए इसमें, एग्जामिनेशन ऑफ द ओनली दोस सेंटर्स एंड अकॉर्डिंगली द री एग्जाम एट दोस सेंटर ओनली हेल्ड 26-2-2020, जिनमें गड़बड़ी पाई गई थी उनकी परीक्षा 26-2-2020 को करवा दी गई। सो फार एज द स्टेटमेंट मेड इन द पैरा 15 ऑफ द काउंटर एफिडेविट इट इज टू से दैट so for a social science subject in the concert the candidates were compulsory required to pass in any two subjects out of the history geography political science and economics theek hai offered under the subsidiary subject honors and also that out of the approached two subjects one of the subject is necessarily required to history and geography as per advertisement issued of board wide number, देखिए लिखा है 337/2019 date 8/9/2019, ठीक है, From these facts of the advertisement, it is the crystal clear that aforesaid subject combination is only the essential
क्वालिफिकेशन फॉर द अपियरिंग इन द सब्जेक्ट ऑफ द सोशल साइंस। ठीक है, पूरा का पूरा मैंने आपको पढ़ के सुना दिया है यहाँ पे। और ये देखिए, मेरे को एक मैसेज भी आया था यहाँ पे कि बहुत अच्छा न्यूज सामने आ रहा है, मैं पूरी जिम्मेदारी से, देखिए छात्रों ने भी इसे पढ़ लिया है, इस एविडेविट को का अध्ययन किया हूँ, अतः हमें यही ज्ञात हुआ है कि फैसला अपने हक में है। ठीक है, फैसला हमारे हक में है। जिस तरह बोर्ड का काउंटर एफिडेविट दिया है, मैं तो यह नहीं कह सकता कि हम अस्वस्थ हैं, लेकिन एफिडेविट के अध्ययन के बाद यह कह सकता हूं कि रिजल्ट 99% हमारे हक में है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको पढ़ के बता दिया है। तो आगे अब भगवान की मर्जी है क्या होता है। कल का फैसला रिजल्ट के पक्ष में आए, इसके लिए दुआ कीजिए सभी लोग। कल कोर्ट खुलते ही सबसे पहले एक नंबर पर है हमारे एसटीटी कोर्ट की सुनवाई। ठीक है, आलोक जी ने भी बात कही थी कि मैंने अपना 100% दिया है और गिरी सर ने अपना 200%। वर्मा जी ने ओपनिंग बैटिंग खराब कर दी थी, लेकिन गिरी सर ने मध्य क्रम और अंतिम ओवर में, देखिए जो वर्मा जी हैं वही वाली बात हुई थी ना कि मैंने आपको पूरा समझा दिया है, अब वीडियो लंबी हो जाएगी फिर मैं उसको रिवाइज नहीं करना चाहता हूँ। इन्होंने वही बात रखी थी गरिमा को देख के कि जो कि किसी प्रकार की कोई भी थोड़ा भी डाउटफुल कुछ होता है पेपर में तो परीक्षा को रद्द करना अनिवार्य होता है, लेकिन उसके बाद मामला जो था वो पलट गया था। लेकिन गिरी सर ने मध्य क्रम और अंतिम ओवर में दुमाजार बैटिंग की है, बाकी अंपायर का जो फैसला आएगा वो स्वीकार होगा। आगे देखिए, सबसे ज्यादा नौकरी छीनने वाले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने 5 साल के 4 करोड़ लोगों का छीना है रोजगार। अभी आवाज भी बुलंद होने लगी है बेरोजगारी को लेकर। यह माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के काल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है वो छात्रों के सामने उभर के आई है। वहीं हम बात करें विपक्ष दल के जो नेता है तेजस्वी कुमार, वो भी लगातार जो है बेरोजगारी को लेकर, या चुनावी लॉलीपॉप कहें या कुछ भी कहें, सरकारी सरकार बनी तो बेरोजगारों को स्थायी नौकरी देंगे, सब कहने वाली बात होती है दोस्तों, इन पे विश्वास मत कीजिए। ये सब नंबर एक के कह सकते हैं कि केवल वोट लेने के लिए ही होते हैं, उसके बाद अपना ही झूला भरते हैं। ठीक है, मैं तो ये कहता हूं कि भाई छात्रों में से ही कोई उठे, कोई छात्र नेता ही उठे और नेता बन जाए। छात्र जो है वो काफी परेशान है बेरोजगारी को लेकर, आप सुन सकते हैं, और कि मांग जो है वो काफी तेज होती जा रही है। सिर्फ पेट चलाने के लिए रोजगार चाहिए, हम लोग रोजगार के भूखे हैं। मोदी जी आपसे मैं बेहद विनती करता हूँ कि हमें धर्म में मत फैलाए, माने जो है धर्म में मत हम लोग उलझाइए, सिर्फ रोजगार के बात करिए। हम लोग रोजगार के लिए आपको पीएम बनाए थे, न कि हम लोग मंदिर के घंटी बजाने के लिए आपको पीएम बनाए थे। मैं खास करके आग्रह करूंगा आपको मोदी जी और नीतीश जी से, क्योंकि आप बिहार के हालत देखी रहे हैं, ना कोई बहाली सही से होता है, एग्जाम भी होता है तो उसको 5 महीने में रिजल्ट जब आते हैं उस समय रद्द हो जाती है, सब क्वेश्चन पहले ही आउट हो जाती है, तो इसके सुधार किया जाए। अब जो है पूरे बिहार के युवा निकाल पूरा कहा जाए यानी पूरा देश के युवा जाग चुका है, अब युवा को आप ठग नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत ठगे, युवा को बहुत दिखाए और सबसे ज्यादा युवा को आपने अपनी ओर आकर्षित किया था। बस सिर्फ आप देशभक्ति बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं, और वंदे मातरम बोलने से, भारत माता की जय बोलने से, हम लोग की जय श्री राम बोलने से हमको पेट नहीं चलेगा। मैं बार बार बोलूंगा कि छात्र के लिए कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं है, सिर्फ तो सिर्फ रोजगार के भूखा है, और रोजगार के लिए वो आप ही के अनुसार अपनाए हुए क्रियाकलाप ताली और थाली बजाकर आपने सम्मान के लिए ताली बजाए थे, आज अपने हक के लिए मैं ताली बजा रहा हूँ इतने युवा के साथ। और पूरे युवा जो है आज देश में, आज 5 सितंबर को टीचर डे, यानी जो शिक्षक के जनक और शिक्षक के क्षेत्र में अलग जगाने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जो आज जन्मदिन के साथ साथ मैं नमन करता हूं, उनका जो किया हुआ करा धरा आप पानी में डुबा दिए मोदी जी, तो मैं चाहूंगा कि हम लोग के रोजगार दीजिए, रेलवे एनटीपीसी जो भी हो, अभी तत्काल जो रेलवे के रिक्रूटमेंट जो आपने भरवाए फॉर्म उसको एग्जाम लिया जाए। बस धन्यवाद, जय हिंद। तो आपने ये सुना ऑडियो क्लिप, और आप अनुमान लगाइए कि भाई
केवल मैं ये कह सकता हूँ कि चुनावी लॉलीपॉप है। अब चुनाव का समय जब नजदीक आया है तो आश्वासन किए जा रहे हैं। न्यूज 18 ने भी यही बात रखी है, आप सुन सकते हैं। स्वागत है आपका, मैं हूँ आपके साथ सिराना शेखर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दल घोषणाओं की झड़ी लगा रहे हैं। कल सीएम नीतीश कुमार ने दलित कार्ड खेला तो आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रोजगार कार्ड खेला। तेजस्वी यादव ने आज पटना में बिहार से बेरोजगारी मिटाने के लिए अभियान चलाने की घोषणा की। बेरोजगारों को रिझाने के लिए तेजस्वी ने आज वेब पोर्टल भी लॉन्च किया है। www.berozgarihatao.co.in के नाम से तेजस्वी ने वेब पोर्टल लॉन्च किया है। साथ ही तेजस्वी यादव ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। ये नंबर है 9334302020, जिस पर कोई भी फोन करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तेजस्वी ने वादा किया कि जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, अगर आरजेडी की सरकार बन गई तो वो उन्हें रोजगार मुहैया करवाएंगे। तेजस्वी ने कहा कि राज्य में कैसे रोजगार का सृजन हो, वो इस मुद्दे पर लगातार संबंधित लोगों से बात भी कर रहे हैं। तेजस्वी की इस घोषणा के बाद कहा जा सकता है कि बेरोजगारों को रिझाने के लिए तेजस्वी यादव ने बड़ा दाव खेला है। हमारी सरकार आएगी तो मेगा ड्राइव से इसको हम लोग चालू करेंगे। लगभग लाखों रिक्त पद बिहार सरकार में खाली है, अलग अलग विभागों में, जिसका आंकड़ा लगभग 4.5 लाख है। यानी ऐसे पद खाली है लगभग 4.5 लाख। 4.5 लाख पद जो है वो बिहार सरकार में खाली है। स्वास्थ्य विभाग में, पुलिस में, और आप देखिएगा शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 1000 पद जो है वो रिक्त है। हमारी प्रायोरिटी है कि जो भी बिहार का नौजवान है उसको हम लोग बेरोजगारी हटाने के लिए, अगर हमारे को मौका मिलेगा तो हमारी सरकार जो है सभी लोगों को रोजगार की गारंटी दे, सुनिश्चित करे। तो जैसा कि आपने सुना कि हर जगह से आवाज उठने लगी है बेरोजगारी को लेकर, और चुनावी लॉलीपॉप भी कहा जा सकता है कि बिहार में चुनावी लॉलीपॉप का जो है वो एक दिखावा भी है कहीं ना कहीं। एसटीटी रिजल्ट को लेकर अजय सर ने भी अपनी जो प्रतिक्रिया है वो सामने रखी है, तो वो भी आप जो है वो सुन सकते हैं क्या कुछ कहा है। आप लोग को मिल ही गया है तो इस पर मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। जैसा कि आज सुनवाई हुआ, काफी शानदार बहस हुआ, जोरदार बहस हुआ हम लोग की तरफ से, खास करके भाई बिगरी सर इतना ना निचोड़ करके रख दिए इस मुद्दा को कि इसका जवाब ही भी ललित किशोर जी के पास नहीं था। सीधे सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो आज जितना जबरदस्त बहस हुआ है हम लोग के तरफ से, और ललित किशोर जी जो बीएसवी के तरफ से आए वो 0 पॉइंट आज साबित हुए बहस के दौरान, तो कहने का मतलब है कि इस बहस से स्पष्ट तौर पर यह निकलता है कि हम लोग को जीत मिलनी चाहिए, हम लोग को जीत मिलनी चाहिए, क्योंकि किसी भी केस का जजमेंट बहस पर निर्भर करता है। और जब बहस इतना तागड़ा हुआ है, बहस में हम लोग को जवाब जब ललित किशोर जी नहीं दे पाए हैं, और ललित किशोर जी के पास किसी प्रकार का एविडेंस नहीं था रद्द करने का, बहस में भी वो शंका वाला ही बात बोले, तो जबरदस्त बहस पर ही किसी भी केस का जजमेंट तैयार होता है। उस हिसाब से मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोग को जीत अवश्य मिलनी चाहिए, और अगर जीत नहीं मिलती है तो फिर हम लोग को न्यायालय पर से भरोसा उठ जाएगा।
जैसा आज बहस हुआ है, इस बहस से यही स्पष्ट निकलता है कि हम लोग को जीत मिलनी चाहिए। और मैं प्रभु से भी यही मन्नत मांगता हूं, या भगवान या अल्लाह, हम लोग को न्याय दिलाने के लिए कोई तो आगे बढ़कर नहीं आया, ना कोई अधिकारी ना कोई मंत्री, लेकिन इस धरती पर का एक जो स्वतंत्र न्याय मिलता है, जहां से न्यायालय, वहां से आप अवश्य हमें न्याय दिलवाएं। यही मैं भगवान से मन्नत मांगता हूं, यही मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूं, और आप सभी भाई बहनों से भी मैं यही अपील करता हूं कि हम लोग ऊपर वाले पे भरोसा करें, और जिस हिसाब से तगड़ा हिसाब से बहस हुआ उस हिसाब से हम लोग को जीत मिलनी चाहिए। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना कि पूरी सुनवाई जो हुई थी उसकी प्रतिक्रिया जो है वो सभी की आ रही है धीरे धीरे, तो मैं वो कह सकता हूँ कि जब हर जगह से हमें हार मिलती है तो अंतिम डिसीजन जो होता है वो केवल कोर्ट पर ही डिपेंड करता है। तो सुनिए कुछ कोर्ट की बातें। सालों में एक बार कभी कोई ऐसा केस आता है जब इस कुर्सी पे बैठने का अफसोस नहीं होता। दीदी जी, मैं तो रोज ही कोर्ट आता हूँ, बैठा रहता हूँ कोर्ट के अंदर, घड़ी की तरफ देखता रहता हूँ कि कब 6 बजे और कब मैं उठ के घर चला जाता हूँ। क्या करें जी, न्यायपालिका की हालत ही कुछ ऐसी है, डेट पे डेट पड़ती रहती है जी, लोग आते रहते हैं, हताश होकर घर जाते रहते हैं, लेकिन फिर आज भी लोग भरोसा करते हैं न्यायपालिका पे। उनको भरोसा होता है कि अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनेगी, प्रशासन उनकी बात नहीं सुनेगा, पुलिस उनकी बात नहीं सुनेगी, तो कोर्ट सुनेगी उनकी बात। इस कुर्सी पे बैठा मेरे जैसा हर आदमी, उसका यह कर्तव्य बनता है तो इस भरोसे को ना टूटने दे। भरोसा करते हैं न्यायपालिका पे, उनको भरोसा होता है कि अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनेगी, प्रशासन उनकी बात नहीं सुनेगा, पुलिस उनकी बात नहीं सुनेगी, तो कोर्ट सुनेगी उनकी बात। इस कुर्सी पे बैठा मेरे जैसा हर आदमी, उसका यह कर्तव्य बनता है कि वो इस भरोसे को ना टूट लेते। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे जो भी अपडेट होगी हम सीधे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।